हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए, सेट बनाने से तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या सोचा है कि देखिए, अब जितना ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं, उसमें क्या होगा आपको कि ये अंदाज़ा चल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसलिए मैंने 7 सालों का, पिछले 7 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मदद मिले। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, 7 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे अच्छा से और अच्छा से पढ़ेंगे। और देखिए, प्रीवियस ईयर ऐसा होना चाहिए कि 5 या 6 साल या 7 साल का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो चलिए, मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्धनता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, ठीक है। समूह हेतु शब्द है, तो इसमें से पीछे चलने वाला जो शब्द का समूह होगा वो अनुगत होगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुगत। और आंसर मैं वही बता रहा हूँ जो आयोग ने आंसर दिया है, ठीक है। अब बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि ये बी सी ऐसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आंसर जो बता रहा हूँ वही सही है, क्योंकि आयोग ने जो आंसर दिया है वही आंसर होगा। आप अपने मन से एग्जाम में कुछ भी लिख कर आएंगे, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आयोग आंसर दिया है वही आंसर आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ है आंखें चुराना, ठीक है। आंखें चुराना या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। घर का परिवाची शब्द क्या होता है? तो घर का परिवाची शब्द होता है, घर का परिवाची शब्द की बात करें तो गे होता है, ठीक है। घर का परिवाची शब्द गे होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर घर के परिवाची शब्द की और बात, सदन भी होता है, भवन भी बोलते हैं, मंदिर भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में आपको देखने से ही पता चल रहा है वह लाचार है, मतलब कारणवाचक होगा, ठीक है। कारणवाचक, कारणवाचक देखिए, क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में यही एक कारणवाचक है। कारणवाचक में क्या होता है? कारणवाचक अवयव में जो भी होता है, ठीक है, जो कि तथा इसलिए का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, या क्यों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, और नए रोदन मुहावरे का अर्थ है, और नए रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निष्फल निवेदन। देखिए, मुहावरे में कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है, ना ही परिवाची शब्द में, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कम से कम आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है इसका। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्र बरदाई का रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकगीत का अर्थ क्या है इसमें? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, लोकगीत का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि छेड़छाड़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ करना। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला है उसके लिए जो शब्द होगा वो मरणासन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द चुनना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियाद, ठीक है, बुनियाद सही शब्द है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी अगर बात करें तो देखिए, समुदाय, ज्योतिषी, मुसीबत,
मुसीबत ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मुसीबत दीर्घहीन होगा, जो यहाँ पर हरसिंह दिया है, ज्योतिषी जो दिया है, ठीक है, ज्योतिषी में यहाँ भी दीर्घहीन होगा, ठीक है। समुदाय में ये तारकुन होगा, ठीक है। ओनली सी राइट आंसर होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपको इसमें से हो जाएगा चकवा। चकवा जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं वो संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अवधि का समानार्थी है, अवधि का समानार्थी है, तो इसका हो जाएगा समय, ठीक है। अर्थ शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा, अर्थ शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा फ्रेंड, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए बता, अ प्लस र में ध य अ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है, ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो इसका ज प्लस य वाला जो शब्द है वो विज्ञ होता है, विज्ञ, ठीक है, वी प्लस ज्ञ, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें जो समास है वो द्विगु समास है, ठीक है। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, नहाया धोया समास में कौन, चलिए बताइए, नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद समास, ठीक है, द्वंद समास। एप्लीकेशन मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। प्रहार, देखिए प्रहार का अर्थ होता है हमला, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से इसका उचित विलोम शब्द होगा रक्षा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। डैश कितना सुंदर दृश्य है, देखिए वाक्य के भाव अनुसार जो खाली स्थान में विकल्प होगा वहां पर वाह का प्रयोग उचित होगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो, देखिए विकल्प के अनुसार जिसमें सहनशीलता होता है उसे सहिष्णु बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, सहिष्णु, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, देखिए त्रुटि वाला भाग की बात करें तो इसमें कुबेर बरी ही, कुबेर बरी ही, ठीक है, यही गलत है, देखिए इसका राइट, अगर इसको ऐसे प्रयोग करना चाहिए, कुबेर बारा ही, ठीक है, कुबेर बरी ही नहीं, कुबेर बारा ही, ठीक है, तो सही प्रयोग होगा कुबेर बारा ही, ठीक है, कुबेर बारा ही। त्रुटि वाला भाग है आपका कौन सा, कुबेर बरी ही, और सही वाला क्या होगा, कुबेर बारा ही, ठीक है, तो यहाँ पर ये बी होगा, कुबेर बरी ही जो है ये त्रुटि वाला है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है, देखिए इसमें कौन सही है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द की बात करें इसमें तो विशेषण है जो ना, विशेषण मूर्धन्य से जो लिखा गया है और अरा वाला वो सही होगा, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, देखिए कहने का मतलब है विकल्प के अनुसार अगर बात करें जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो अच्छा मतलब कहने का मतलब है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनस्वर जो कभी नष्ट ना हो, अनस्वर, ठीक है, अनस्वर हो जाएगा, राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या है, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना, ठीक है, गधों के आगे ज्ञान की बात करना, ठीक है। अब बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, पीएचडी कर लिए साइंस से, फिजिक्स से या हिस्ट्री से, ठीक है, और आप एक अनपढ़ गंवार आदमी के पास जाकर आप बता रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में बता रहे हैं, उसे क्या समझ में आएगा, ठीक है, तो वही हुआ, ठीक है भाई, मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना, राइट आंसर ये हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, देखिए दिए गए विकल्प में से इंद्र का उचित पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यपति, ठीक है, सूर्यपति, राइट आंसर डी हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, सतर्कता है, सतर्कता, देखिए दिए गए विकल्प में से सतर्कता का उचित पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो क्या होगा, सावधानी होगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो अध्ययन जो होगा, देखिए अध्ययन इसमें कन्फ्यूजन करने वाला दिया है, ठीक है, तो आधा ध होगा, ठीक है, पूरा य फिर न,
ठीक है, तो देखिए ऐसा दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, सादाचार। सादाचार का उल्टा क्या होता है? देखिए सादाचार का अर्थ होता है अच्छा विचार वाला, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से इसका उचित विलोम शब्द जो होगा वो दुराचार होगा। दुराचार का मतलब क्या होता है? बुरा आचरण वाला, ठीक है। तो दुराचार राइट आंसर ये हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर के बोल रहा है विकल्प के अनुसार जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि। जिसकी बुद्धि कम हो तो राइट आंसर मंद बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आ गया गदांश, 5 नंबर का गदांश पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। पढ़कर बता देते हैं, दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग पेंट करना काम कर डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डैश से सजाया जाता है। देखिए ये हमारा दे दिया गदांश, अब इसी में से हमें जो दिया है इसे क्या करना है, अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला है गदांश में संकेतिक रिक्त स्थान, जो पहला के लिए उपयुक्त शब्द होगा क्या होगा? देखिए पहले के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो हो जाएगा आपका सी, मनाया, ठीक है, मनाया। दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो हो गया माह, ठीक है, सी माह, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरे गदांश में क्या होगा? तो देखिए तीसरे गदांश में आपका क्या होना चाहिए, तो ये कुछ होगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे ऊपर गदांश तो आपको वीडियो पेज कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, पता चल जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में जो गदांश होगा आपका, ठीक है, इसमें गदांश होगा आपका आरंभ, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट गदांश था 5 नंबर का, वो 5 नंबर में उसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो होगा ना, इसमें आपका होगा खूब, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है, मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए मक्खन लगाना मुहावरे का मतलब होता है चापलूसी करना, समझ गए, चापलूसी करना, राइट आंसर सी होगा। देखिए पर्यायवाची शब्द और एक शब्द कौन एक शब्द, वो आपको दुनिया में कोई भी टीचर, कोई भी दोस्त, कोई भी आपका फ्रेंड, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है फ्रेंड, तो कोई भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता है जब तक कि आपके पास 100 से 150 तक का स्टॉक होना चाहिए पर्यायवाची और मुहावरे का, ठीक है, तभी आप आसानी से सॉल्व करेंगे और इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, शरबत की तरह घोकर पीना पड़ेगा। ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें, ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है ढाक के तीन पात, तो मतलब स्थिति जस की तस रहे, परिवर्तन ना हो, उसे कहा जाता है ढाक के तीन पात, ठीक है। तो देखिए ढाक के तीन पात का मतलब हो जाएगा आपका परिवर्तन ना हो, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयोग शब्द का चयन करें, ठीक है। वाक्य के भाव अनुसार रिक्त स्थान में विकल्प जो होगा, तो बंदूक एक डैश उपयोगी है, बंदूक एक उपयोगी है डैश, ठीक है। बंदूक की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड, वाक्य के अनुसार अगर हम देखें तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, एक शब्द उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो उसे कुलीन बोला जाता है, ठीक है, श्रेष्ठ कुल में जन्मे वाले को कुलीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रजू शब्द का पर्यायवाची शब्द है, रजू शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए रजू शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये होता है रस्सी, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है इसमें, तो इसमें हो जो होगा जिजीविषा होगा, जिजीविषा, अब देखना है कि जिजीविषा को एगो जमे हरसिंह जी और जमे दुर्गिन जी, अब वमे हरसिंह जी मूर्धने सौ आकार, ठीक है, तो आपका होगा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होगा, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा? देखिए विकल्प के अनुसार 10 से 15 वर्ष के वायु वाला जो बालक है उसके लिए अगर सही शब्द बोले तो किशोर होगा, ठीक है, किशोर। मुख का विलोम है, मुख का विलोम क्या होता है? देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम बात करें मुख का विलोम तो गौड़ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है?
हस्त का परिवाची शब्द क्या है? देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, हस्त का, तो हस्त का हो जाएगा आपका कर, ठीक है, कर परिवाची शब्द है हस्त का, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ है डैश, ईमानदारी श्रेष्ठ है डैश। देखिए बोल रहा है अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या होगा, देखिए ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, गुण है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए 28, 28 का बोल रहा है सही वर्तनी वाले, तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही जो होगा इसका लिख देते हैं हम ऊ आधा ज और पूरा ज, ठीक है, उसके बाद व अल, ऐसा देखिए दिया है कहीं, तो ऐसा दिया है आपका सी में, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है। उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। देखिए उड़ती चिड़िया पहचानना इस मुहावरे का मतलब है दूसरे के मन की बात जानना, ठीक है, दूसरे के मन की बात जानना, ठीक है, अंदाजा लगाना दिया है, चिड़िया की उड़ान मापना, दूसरे के मन के, राइट आंसर सी दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो कृतज्ञ होता है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वह जन्म का भिखारी है, इस वाक में का किस कारक की विभक्ति है? देखिए वह जन्म का भिखारी है इस वाक में अगर बात करें तो वह ए हो जाएगा संबंधन का, ठीक है, संबंध का, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ठीक है ऑप्शन देख लीजिए, जैसा शक्ति, जितना शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इसमें पूछ रहा है विसर्ग संधि। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर विसर्ग संधि की बात करें तो निश्चल जो है ना, निश्चल इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखेंगे, कंसेप्ट वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए इसमें पूछ रहा है देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ग चिन्ह है, नहीं, ठीक है, इसमें नहीं है देवनागरी लिपि की विशेषता। दूसरा देखिए कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, इसमें देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है, ठीक है, इसमें है, ऊपर वाले में है और इसमें नहीं है, तो पूछ रहा नहीं है तो ये हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। और भी देख लेते हैं, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, ठीक है, ये सही है। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये भी सही है, इसमें से जो नहीं है ये कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए और पियोन में आया हुआ है और आप देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और हिंदी में देखिए संधि विच्छेद जो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, परिवाची शब्द, एक शब्द कहने, एक शब्द मुहावरे, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ठीक है, इसको एक ही उपाय है, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, ये सब रट्टा मारने वाला सामान है, ठीक है। देखिए तो मैं सेशन शुरू करता हूँ और जो बता रहा हूँ, देखिए ये मेरा जो चैनल है यानी आप लोगों का जो चैनल है ये स्टैंड बीपीएससी, इस पर स्पेशल बिहार सिविल कोड का मटेरियल अभी अवेलेबल करा दिया हूँ मैं, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे आप, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर तो आप जुड़ सकते हैं, ऐसे मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर ये सबका पीडीएफ भी अवेलेबल हम करा देते हैं जो सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप अलग एक नोट्स बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम जब नज़दीक हो जाता है तो एक हफ्ते के अंदर जितना आपका नोट्स है वो रिविजन के लिए काम आएगा, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए आज का प्रीवियस सीयर हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, ठीक है, गलत इसमें है, ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आयोग ने इसका आंसर दिया है ये राइट आंसर इसका बी दिया है, ठीक है, नायिका दिया है, ठीक है, नय प्लस ई का, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए जाली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मैंने पहले ही बताया ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ है, कम से कम आपके 200 या 250 का ये स्टॉक होना चाहिए मुहावरे का आपके दिमाग में, ठीक है, तभी आपका कुछ हो पाएगा।
तो देखिए पहला मैं करवा दूंगा, हालांकि मैंने बोला है आप लोगों से कि 1000 करवा रहा हूँ, शाम को अलग से मैं 30 या 35 क्वेश्चन हिंदी का स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? कन्यादान शब्द में समास जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है, दिनों का फेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है निरंतर हानि होना, ठीक है, निरंतर हानि होना। दैत्य का प्रत्यय है, दैत्य का प्रत्यय यह है, ठीक है, यह है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेठ का स्त्रीलिंग है, सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सेठ का सेठिन हो जाएगा, ठीक है, सेठाइन मत बोल दीजिएगा। कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा से होता है, ठीक है। परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, तो उपसर्ग जो शब्द के पहले आता है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का डी, ठीक है, पर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब पारा मत बोल दीजिएगा कोई, ठीक है ना, आयोग ने डी आंसर दिया है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ठीक है, किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति है वो अपादन है, ठीक है, हिमालय से अपादन से होता है ना। सितारा देवी बिना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अपराह का सही अर्थ क्या है? अपराहन का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अपराहन का सही अर्थ होता है दोपहर के बाद का समय, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, दोपहर के बाद का समय को अपहरण कहा जाता है, जिसे अपहरण कहा जाता है, जिसे पीएम बोला जाता है, ठीक है। कायदा शब्द है क्या है? कायदा शब्द क्या है? तो कायदा शब्द एक अरबी का वर्ड है, ठीक है, अरबी का है, याद रखेंगे, ठीक है। अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो ये जो बना है ना, ये सर्वनाम से बना है, याद रखेंगे, ठीक है, अपनापन भाववाचक सर्वनाम से बना है। देवासुर में समास है, देवासुर में समास कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है। उदयाचल का सही विलोम है, उदयाचल का सही विलोम कौन सा है? तो उदयाचल का सही विलोम हो जाएगा उत्तरांचल, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उस समास को वेरी सिंपल हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास, ये सब याद होना चाहिए परिभाषा, तभी और भी याद कर लीजिएगा, हालांकि मैं अलग से इसका बता दूंगा अगर आप कमेंट कर बताएंगे तो। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधार समास है, ठीक है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो यण संधि है, यण संधि, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चरण कमल कौन सा समास है? चरण कमल, चरण कमल कौन सा समास है इसमें? इसमें जो समास है आपका वो तत्पुरुष समास है, ठीक है, याद रखेंगे, तत्पुरुष समास है इसमें, याद नहीं रखना है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है। 21, जिसका उपमा न हो उसे कहते हैं, जिसका उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपमेय, ठीक है, अनुपमेय कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण क्या होगा? तो अंश का विशेषण हो जाएगा आपका आंशिक, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? तो नवग्रह में जो समास होगा वो नज्ञ हो जाएगा, नज्ञ, राइट आंसर बी हो जाएगा, यो है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आप भाला दुनिया भाला में आप सर्वनाम का उदाहरण कौन सा देंगे? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर निजवाचक हो जाएगा, ठीक है, आप भाला दुनिया भाला में सर्वनाम जो होगा आप, ठीक है, ये निजवाचक होगा। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है कि जैसे मान लो कोई कोई कान भरता है, ये बहुत गलत बात है, कान भरना चुंगली करना जैसे बोला जाता है, तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उपदेश देना, ठीक है। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन करने वाले को मेघ कहते हैं, ठीक है, मेघ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंगी इसमें हो जाएगा हवा, ठीक है, हवा उभयलिंगी है इसमें, राइट आंसर सी। दाल भात में
मुसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या है? दाल भात में मुसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा स्वादिष्ट भोजन, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ है, नाम से ही पता चल रहा होगा, चलिए इजी है, बताइए। मुट्ठी गर्म होने का मतलब होता है कि हाथ मलना। ठीक है, राइट आंसर सी। अब एक प्रकार का घूस लेना मत बोल दीजिएगा, आयोग ने उसका आंसर वही दिया है। शब्द शक्तियों की संख्या क्या है? शब्द शक्तियों की संख्या क्या है? तो शब्द शक्तियों की जो संख्या है वो चार होती है। ठीक है, कितनी होती है? चार होती है, याद रखेंगे। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? उपमा अलंकार का उदाहरण है चांदनी। ठीक है, चांदनी। गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? ये पूछा हुआ है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीतांजलि पर आपको पता होगा, गीतांजलि पर पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, गम शब्द किस भाषा का है? गम शब्द किस भाषा का है? तो ये भाषा का है संस्कृत का है। ठीक है, गम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है, हिंदी का मत मार दीजिएगा। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे आचार्य कहते हैं। ठीक है, आचार्य कहते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? चलिए बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर ए, वैरागी का तीनों से, देखिए सेवक है, त्यागी है, परिवारजक है, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है? देखिए अन्य तीनों शब्दों से भिन्न बता रहे हैं। ठीक है, भृत्य जो है ये अलग है, चेरा अलग है, परिचारक अलग है, मालिक जो है ये अलग है, सबसे भिन्न है। ठीक है, ये तीनों का एक जैसा है, बाकी ये जो मालिक है ये अलग है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रतियोगी का विलोम होगा, प्रतियोगी का विलोम होता है सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। स्थूल का विलोम होगा, स्थूल का विलोम क्या होगा? तो स्थूल का विलोम दुर्बल होगा। ठीक है, दुर्बल होगा। महेंद्र किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा डी, सी प्लस रो प्लस मणि। ठीक है, शिरोमणि। नेक्स्ट देखिए, संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सत प्लस योग। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका पीत है जिसका अंबर। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित कौन है? तो ये कुख्यात है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, झंडा का परिवाचित शब्द का मैंने पहले ही बोला है, परिवाचित शब्द और विलोम शब्द, और ये जो है इसको राटा मारना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कम से कम 100-150 का आपका स्टॉक होना चाहिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झंडा का परिवाचित शब्द प्रतीक। ठीक है, अनुशीलन का परिवाचित शब्द होगा, अनुशीलन का परिवाचित शब्द होगा आपका अध्ययन। ठीक है, अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित ये क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, राइट आंसर डी, रूपक हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक बताता है? भिन्न है उसका अर्थ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए तो क्रूर जो है ये इसका अलग है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये इनका एक दूसरे से रिलेटिव है। कमलनयन में कौन सा अलंकार है? कमलनयन में अनुप्रास अलंकार है, याद रखेंगे अनुप्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि जैसा कौन सा पद है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग महर्षि जो है ये दीर्घ संधि का युक्त पद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमन को यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये असाधारण आंख है। ठीक है, असाधारण वाक्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? तो देखिए शुद्ध विच्छेदित रूप की बात करें तो रामा प्लस यन, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर सागर की भाषा है,
सूर सागर की भाषा है, तो सूर सागर की भाषा इसमें क्या होगा, तो अवधि हो जाएगी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है तो इसमें समुदायवाचक संज्ञा है, ठीक है, समुदायवाचक। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये पंडिती होती है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडिती। नेक्स्ट देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान कंठोष्ठय है, ठीक है, राइट आंसर कंठोष्ठय है व, ठीक है, कंठ से हो रहा है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर डी 50 होते हैं, ठीक है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है, देश शब्द कौन सा है, तो इसमें मयूर जो है वो देश शब्द है, ठीक है। व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है, तो लूत नाम से जाना जाता है, ठीक है, लूत। पंचानंद शब्द में कौन सा समास है, पंचानंद शब्द में द्वंद समास है, कौन सा समास है, द्वंद समास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आपका लगा हुआ ईक, ठीक है, राइट आंसर ईक हो जाएगा बी। मौन का विलोम शब्द कौन सा है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये विकार है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है, ये तो इसे कहा जाता है मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका याद रखेंगे। कृपण, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, कृपण का विलोम, देखिए कृपण का विलोम जो होता है वो परोपकारी होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, तो इसमें जो है विदेशज जो है ये त्रिलोचन शब्द है, ठीक है, विदेशज का त्रिलोचन शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मकरी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अटकन बटकन खेलना, चलिए बताइए, तो इसका देखिए कागज़ का काला करना, ठीक है, कागज़ को काला करना होता है अटकन बटकन खेलना मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, अभी बताया था, ठीक है, रिपीटेड है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा परोपकारी, कृपण का विलोम शब्द होगा परोपकारी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड प्रीवियस ईयर का हमारा 70 क्वेश्चन, ठीक है, मैं जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा मैं करवा दूंगा, और अलग से शाम को मैं रोज जो 1000 का मैं MCQ चला रहा हूँ हिंदी का, वो देखना ना भूले, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, मैथ का भी हो रहा है, इंग्लिश का भी हो रहा है, ठीक है, और स्टेनो कंप्यूटर का भी अलग से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड।